दोस्तों अगर आपके पास एयरटेल की सिम है और उसमें डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं मेरे पास एयरटेल की सिम है और उसमें जो डाटा है बहुत जल्दी उड़ रहा है, अपने आप उड़ रहा है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं? जो मैं आपको सेटिंग बताऊँगा वो काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है और आप यदि ये करते हैं किसी भी स्मार्टफोन में, ठीक है, जिसमें आपका डाटा बहुत जल्दी उड़ रहा है, तो आपका डाटा बिल्कुल भी जल्दी नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। तो नंबर एक सेटिंग है, आपको अपने व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करके यहाँ राइट इन साइड बॉटम पे आपको कॉर्नर पे और थ्री डॉट मिल रही होंगी, ठीक है, इन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगी सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्टोरेज एंड डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मीडिया एंड ऑटो डाउनलोड, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आते होंगे, तो इन्हें आपको यहाँ से यदि ये सिलेक्ट होंगे पहले से तो इन्हें हटा देना है, ठीक है, और ओके कर देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ये इस तरीके से लगे होंगे, ठीक, तो इन्हें आपको हटाएंगे और ओके करेंगे तीनों में, ठीक है। ये आपको देख लेना है, तीनों में ये इस तरीके से लगे होंगे, तो सिंपल से आपको इसे हटाना है, बस आपको अब यहाँ से बैक चले जाना है, ठीक है। नंबर एक तो ये करना है। नंबर दूसरी सेटिंग ये है कि यदि आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे तो आप अपने इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आप यूज़ करते हैं, तो नहीं करते हैं तो नेक्स्ट चैटिंग बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ लोगों पे आप टैप करेंगे, यहाँ राइट एंड साइड बॉटम पे थ्री डॉट मिल रही होंगी, इन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ सेटिंग पे टैप करेंगे, फिर आपको यहाँ पे अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सेलुलर डाटा यूज़, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन यहाँ ऑफ है तो इसे आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से बैक जाएंगे, जैसे मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये आपको दो सेटिंग करनी है। तीसरी सेटिंग क्या है, आपको सिंपल से अपने फ़ोन के अंदर ये देखना है कि ये वाला एप्लीकेशन तो नहीं है, होगा तो है ही, ठीक है। ये फ़ोटो नाम का एप्लीकेशन होता है, फ़ोटोज़, ठीक है, गूगल का ये, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लोगो नज़र आ रहा होगा, जैसे अपडेट है तो अपडेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लोगो जो नज़र आ रहा होगा इस पर आप टैप करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर आप टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फोटोज़ चैटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैकअप एंड सिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो बस इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि मैंने बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैटिंग क्या है, तो चलिए वो बताता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग है, आपको अपने मोबाइल के अंदर एक यूट्यूब एप्लीकेशन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको मिलेगा लोगो, ठीक है, उस पर आप टैप करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग, सेटिंग पे टैप करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा सेविंग, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका ऑप्शन यदि बंद है, ठीक है, ये ऑप्शन सभी बंद हैं, ठीक है, बेसिकली बंद ही रहते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा सेविंग मोड को ऑन कर लेना है, और ये नीचे वाला जो ऑप्शन है म्यूट प्लेबैक एंड फीड ओवर वाईफाई ओनली, तो इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल बाहर निकल आएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग भी आपको बता देता हूँ, आपको सिंपल से अपने प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है, मॉल के एक एप्लीकेशन होता है मॉल में ही प्ले स्टोर, या लोगो पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई ऐप अपडेट हो रहा है तो उसे आप बंद कर दीजिए। यहाँ पे होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐप अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो यहाँ पे अपडेट आल इस तरीके से हो रहे होंगे, ठीक है, तो इन्हें आपको सिंपल से यहाँ ये कैंसिल आल है तो इसे आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अगर ये है तब आपको करना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया है, ठीक है, ये करना है। उसके बाद एक सेटिंग और है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से आपको वहीं लोगो पे टैप करना है, मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक नहीं, सॉरी, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क प्रेफरेंस मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, ऑटो अपडेट्स ऐप्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, डोंट कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऑटो प्ले वीडियो है, इससे भी डोंट करके सेव कर देना है, ठीक है, और यहाँ से आप बैक चले आएंगे, ठीक है। ये आपके अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग करनी होगी। और फेसबुक में भी आप डाटा सेविंग मोड यूज़ कीजिए, अगर आप कोई जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है होते हैं, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, मौज है, ठीक है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है MS Takata के, इनमें आप डाटा सेविंग मोड यूज़ करके वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो जल्दी डाटा कंज्यूम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई वेब सीरीज़ देखते हैं MX Player पे या Netflix पे, ठीक है, या
या डिज्नी प्लस पे, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके जो MB हैं बहुत जल्दी कंज्यूम होती हैं, तो आप डाउनलोड करके कोई भी मूवी देखिए तभी आपकी जो प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटिक डाटा कट रहा है एयरटेल का, वो कटना बंद हो जाएगा। फिलहाल लेता हूँ मैं इस वीडियो में विदा। जय हिंद।